हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी होम्स। मैं हूं डॉक्टर नीलम साधवानी और आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूं एक और सिंधी रेसिपी, जिसे हम कहते हैं भरियल भिंडियों फ्राई। ये एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जिसे हम सर्व करते हैं दाल राइस और फुलके के साथ। इसे बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जो किचन में मसाले यूज़ होते हैं वही भर के हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने यूज़ किए हैं इसके लिए आधा किलो भिंडी मीडियम या छोटे साइज़ की। मसालों में हम यूज़ करेंगे धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून, नमक 1 से 1.5 टेबलस्पून स्वाद अनुसार, अमचूर या फिर खटाई पाउडर ऑप्शनल है। तलने के लिए हम तेल यूज़ करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ और रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने सारे मसाले आपस में मिक्स करके उनको मिला लिया है। 1 से 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 2 से 3 टेबलस्पून ले सकते हैं। ऑप्शनल में आप चाहें तो आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये सभी मसाले आपस में अच्छे से मिक्स करके एक कटोरी में हम बना करके रख लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन भिंडी का। भिंडी को हम लंबाई में एक चीरा दे करके उसमें स्लिट बना देंगे। पूरा भिंडी को 2 पार्ट में अलग अलग नहीं करना है, बीच में हल्का सा चीरा देना है और साइड साइड में फिर कट कर देना है, जिससे कि भिंडी पूरी खुल जाए। इसी के अंदर अब हम मसालों को भरेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले एक सिंगल स्लिट देना है, फिर उसके साइड साइड में चाकू डाल करके अगर कोशिश करें तो वो पूरा साइड में भी कट जाए, जिससे कि भिंडी ईजिली खुल जाएगी मसाला भरने के लिए। बस अब इसी तरीके से हम सारी भिंडियों को काट लेंगे। काटने के बाद अब हम इसमें मसाला भरेंगे। अगर 1-2 भिंडी आपकी पूरी टूट करके अलग भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करें कि सारी भिंडियाँ पूरी रहें, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं हों। अब हम उंगलियों की मदद से भिंडी को अच्छे से ओपन करके उसके अंदर मसाला भरेंगे। मसाला एक भिंडी में करीबन 1 से 2 चुटकी भरें, ज़्यादा मसाला नहीं भरना है अंदर, नहीं तो वो पूरा मसाला बह करके बाहर आ जाएगा तलते टाइम में। बस अब सारी भिंडियों में हम मसाला भर करके उनको तैयार कर लेंगे तलने के लिए। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये भिंडी बहुत टेस्टी बनती हैं, पर इनका प्रिपरेशन थोड़ा टीडियस है, क्योंकि इनमें सब में चीरा लगा करके मसाला भरने में कम से कम 15 से 20 मिनट जाते हैं। तो अब सारी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं मसाला भर करके फ्राई करने के लिए। इसमें से मेरी 3-4 भिंडियाँ आधी आधी टूट जाती हैं, तो वो बहुत कोई इशू की बात नहीं है, फ्राई करते टाइम वो भी बढ़िया फ्राई हो जाएंगी। चलिए अब हम चलते हैं, कढ़ाई गैस पर चढ़ाते हैं। उसमें हम 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसको तेज़ गरम कर लेंगे। अब हम इसमें भिंडियाँ डालेंगे फ्राई करने के लिए। इस समय पे गैस फ्लेम को फुल पे ही रखना है। जब तक हम भिंडी फ्राई करेंगे थोड़ी बहुत, तब तक पूरे टाइम गैस फ्लेम हाई पे ही रहेगा। भिंडी तेल में डालने के बाद आधा मिनट तक उसे ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद उसे चलाना शुरू करें, ताकि भिंडी में अच्छे से तेल उतनी देर में लग जाए। साइड साइड से भिंडी को चलाना है हल्के हाथ से पलटे की मदद से, और फिर उसको फैला देना है पूरी कढ़ाई पर, ताकि एक एक भिंडी अच्छे से सिक जाए। फुल फ्लेम पे भिंडी को इसी तरीके से चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद भिंडी का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा और वो थोड़ी सी श्रंकन होने लगेगी। ये टाइम है जब हम भिंडी को अच्छे से पूरे कढ़ाई में फैला देंगे और ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे। गैस फ्लेम लो पे कर देना है। अब ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे हम भिंडी को पकाएंगे 3 से 4 मिनट। इसके बाद अब हम ढक्कन हटा करके देखते हैं। भिंडी का कलर चेंज हो चुका है लाइट ब्राउन की तरफ और थोड़ा सा उसमें फ्राइड लुक आने लगा है। बस इसके बाद अब हम एक भिंडी को तोड़ करके थोड़ा सा चेक करेंगे कि भिंडी पक गई है पूरी तरीके से अंदर तक या नहीं। अगर आपको भिंडी लगता है कि कच्ची है तोड़ने पे, तो उसे वापस से ढक करके 2 मिनट और पकाएं। इसके बाद अब हम चला करके भिंडी को देखेंगे, पूरा तेल नीचे छोड़ दिया है। सो डोंट बी वरीड फ्रेंड्स कि तेल वाली भिंडी हम खा रहे हैं, क्योंकि फ्राई करने के बाद भिंडी पूरा तेल नीचे छोड़ देगी और हम वो फ्राइड भिंडी बाहर निकाल लेंगे। मेरी भिंडी अब पूरी पक चुकी है,
तो इस समय पे अब टाइम आ गया है कि मैं गैस फ्लेम हाई पे करूँगी और थोड़ी देर भिंडी को हाई फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करूँगी। आप चाहें तो नीचे बचा हुआ तेल आप चम्मच की हेल्प से निकाल सकते हैं। और लास्ट में ये जो फुल फ्लेम पे हम फ्राई कर रहे हैं भिंडी को, इस समय पे अगर आप आधा चम्मच देसी घी डाल देंगे और फिर उसको हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो भिंडी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। क्रिस्पी होने के साथ साथ उसमें वो जो घी का फ्लेवर आ जाता है उससे भिंडी बहुत ही टेस्टी लगती है। बस अब ये भिंडी बनकर के तैयार है फ्रेंड्स सर्व करने के लिए। यूजुअली इसके साथ मैं सर्व करती हूँ दाल राइस, तुअर की दाल, वो भी सिंधी स्टाइल की खट्टी वाली तुअर दाल बनती है, और साथ में हम सर्व करते हैं भिंडी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स पे बताना नहीं भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। टिल देन बाय फ्रेंड्स, अगली बार मैं फिर मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। मोस्टली वो रेसिपी होगी खट्टी वाली तुअर की सिंधी स्टाइल दाल की।